हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीएससी आल जॉब्स ऑनलाइन में। दोस्तों, एक और न्यू अपडेट आपके लिए मैं जो है धमाकेदार लेकर आया हूँ। एसएससी जीडी की जो है वैकेंसी आने वाली है, तो आपके लिए न्यू अपडेट आ चुके हैं, खुशखबरी आ चुकी है। तो आपके लिए जो है न्यू एग्ज़ाम शेड्यूल जारी हो चुका है दोस्तों। एग्ज़ाम डेट भी आपकी जारी हो चुकी है, जो आपकी एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी आएगी उसकी जो है एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताने वाला हूँ, सारा कुछ जानकारी देने वाला हूँ, कितनी वैकेंसी आएगी और कब से फॉर्म भरे जाएंगे, और आपके जो है मतलब कि हाइट वगैरह, एज वगैरह कितनी मांगी जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सिलेबस वगैरह क्या रहेगा, सारा कुछ जो है वीडियो में बताने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो बने रहे, वीडियो को पूरा वॉच करना। वीडियो को अगर आप आधा देखोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आनेगी, आप पूरा देख पाओगे तो जब भी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपने भाई को जितना हो सके सपोर्ट दिखाइए, और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार आ रहे हैं, तो चैनल को जो है लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मोटिव बढ़ता है। ध्यान रखिए दोस्तों, अपने भाई को सपोर्ट दिखाइए ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए मैं रात दिन करके वीडियो बनाता हूँ, तो आपका भी फ़र्ज बनता है कि थोड़ा आप मुझे सपोर्ट दिखाइए। तो चलते हैं, फिर आपको बताते हैं एसएससी जीडी के न्यू अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये वाली एसएससी की साइड है, इस पे जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको नीचे, एडमिशन कैलेंडर, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक जो है कैलेंडर इसका डाउनलोड हो जाएगा, ये वाला। इसमें सारी वैकेंसी दिए रखती है, कैलेंडर का मतलब ये होता है आपका सारा इसमें दिया रहा है कि आपकी कौन सी जो है भर्ती आएगी, कौन सी नीचे। सबसे लास्ट में जब आओगे ना, जब जाओगे आप इसमें 22वीं नंबर पर, आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कॉन्स्टेबल जीडी लिख रहा है आपको, ये वाली डेट है। और आपकी एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएगी देख सकते हैं, 24 नवंबर फ्राइडे से लेकर 24 नवंबर का फ्राइडे बैठेगा, और आपका जो लास्ट डेट रखी गई है वो 28 दिसंबर रखी गई है, 28 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं। बाकी एग्जाम की डेट आप देख सकते हैं, फरवरी मार्च में आपकी आ चुके हैं। एग्जाम डेट देख सकते हैं, ये ऊपर वाली एसएससी दिल्ली पुलिस की है, और नीचे वाली देख सकते हैं एग्जाम डेट आपकी, ये भी आ चुकी है। एग्जाम जो डेट रखी गई है आपकी यहाँ पे, वो आपका 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी, 24 फरवरी, 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, ये फरवरी में है। मार्च में आ जाते हैं, 1 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च। ठीक है दोस्तों, ये आपकी एग्जाम डेट यहाँ पे एसएससी की जीडी की तरफ से जो है जारी भी कर दी गई है, देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये पूरी पक्की अपडेट है, ये कोई फेक अपडेट नहीं है, बिल्कुल रियल जानकारी आपको बता रहा हूँ। और जल्दी में इसका जो है नवंबर के महीने में जो है आपका फॉर्म भी स्टार्ट होएगा जल्दी से जल्दी, तो अपनी तैयारी आप फुल रखिए। आपकी जो है इलेक्शन से पहले पहले आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह करा दिया जाएगा, देख सकते हैं आप, क्योंकि फिर आपका आचार संहिता लग जाएगी, तो आचार संहिता लग जाओगी तो फिर आपका कुछ नहीं हो पानेगा, तो उसी से पहले पहले आपका एग्ज़ाम वगैरह कराने की तैयारी यहाँ पर चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप खुद भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल न्यू अपडेट है दोस्तों, 26/10/2023 में अपडेट हुआ है ये नया नोटिफिकेशन। तो जीडी में कौन कौन सी भर्ती आने वाली है और कितनी पोस्ट आएगी समझ लीजिए। आपकी जो जीडी में पोस्ट आने वाली है वो देख सकते हैं, कॉन्स्टेबल जीडी, सीए, पीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफल्स जीडी, असम राइफल्स, ये आने वाली है। आपके जो फॉर्म भरे हुए जो 24 नवंबर से भरे जाएंगे, लास्ट डेट आपकी 28 दिसंबर रखी गई है, देख सकते हैं आप। जनरल ओबीसी वाले हैं तो 100 रुपये फीस आपको पे करनी पड़ेगी, एससी एसटी एक्स सर्विस मैन को कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी, अगर आप फीमेल हैं तो जब भी कोई पैसे नहीं लगेगी आपके, और 28 दिसंबर तक ही आप इसमें पेमेंट कर सकते हैं। बाकी एग्जाम की डेट आपकी फरवरी एंड मार्च से रख के जो आ चुकी है आपके एग्जाम डेट यहाँ पर। बाकी जो पोस्ट आपकी निकाली गई है देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वैकेंसी आपकी निकालने वाली है, बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी, 84,866 वैकेंसी आपकी टोटल यहाँ पे निकलने वाली है। 18 साल से 23 साल की आपकी उम्र मांगी जाएगी, बाकी 3 साल की जो है ओबीसी वालों की 3 साल की छूट है, और एससी एसटी वालों की 5 साल की आपको छूट मिलती है, वो आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, बाकी जिस वैसे तो 18 से 23 है, बाकी 3, 5, 28 और ओबीसी वाले जो है 26 तक फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, 84,000 थोड़ी नहीं बैठती है, बहुत वैकेंसी बैठती है दोस्तों। तो आपके लिए जो है इतना बड़ा जो है आपके सामने ऑफर आ रहा है न्यू वैकेंसी का, तो आपको तैयारी तो बनती है आपकी,
तैयारी आप रखोगे फुल, जब भी तो आपका नंबर आ पाएगा दोस्तों। तो आप अपनी तैयारी फुल रखिए, किसी फोकस पे आप किसी चीज़ पे ध्यान मत दीजिए, और भी ओनली बस पढ़ाई पे आप ध्यान दीजिए, तो आप जल्दी यहाँ पे कामयाब जल्दी हो पाओगे, मेरी आपसे दुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हो BSM में जो आपकी वैकेंसी निकाली जाएगी वो 19,987 निकाली जाएगी, CISF में आपकी 19,475 है, CRPF में 29,283 वैकेंसी है, SSB में आपका 8,273 वैकेंसी है, ITV में 4,142 वैकेंसी है, AR असम राइफल्स में आपका 3,706 वैकेंसी आपकी निकाली गई है। सैलरी की बात करें तो 21,000 से आपकी ले 21,000 से लेकर 69,000 पर मंथ आपको मिलने वाली है। देख सकते हैं सैलरी भी आपको काफ़ी शानदार आपको मिलने वाली है, काफ़ी काफ़ी धमाकेदार यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। ओनली हाई स्कूल से है, ओनली 10वीं क्लास से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं ओनली 10th क्लास से आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं कितनी बड़ी अपडेट आपके लिए, कितनी खुशखबरी की बात है। ओनली हाई स्कूल, जो हाई स्कूल करके बैठे हैं वो उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है ये, जो आप फॉर्म भरिए और अपनी तैयारी कीजिए। हाइट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर हाइट भी आप पता कर लीजिए, हाइट बता देता हूँ, अगर आप मेल है जनरल OBC है, जनरल OBC SC वाले हैं तो आपको 170 हाइट है, अगर आप मेल ST वाले हैं 162 हाइट है, अगर आप फीमेल जनरल OBC SC वाले हैं 157 हाइट है, अगर फीमेल ST है तो 150 हाइट है। चेस्ट की बात कर लेते हैं, चेस्ट मेल जनरल OBC और SC 80 से 85 चेस्ट है, और मेल ST वालों की 76 से 80 है, बाकी लड़कियों की आपको पता ही है ये चीज़ रहती नहीं है। और रनिंग की बात भी कर लेते हैं, रनिंग भी आपकी दे रखी है यहाँ पे, देख सकते हैं रनिंग आपकी मेल वालों की 5 किलोमीटर है 24 मिनट में, तो 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर यहाँ पे रेस लगानी पड़ेगी, कोई जो है ज़्यादा नहीं है, आप आराम से यहाँ पे लगा सकते हो। फीमेल की बात करें 1600 मीटर है 8 मिनट 30 सेकेंड में, 8.5 मिनट में आप जो है 1600 मीटर आराम से लगा दोगे अगर लगाने वाले होते हो, लड़के भी लगा देंगे, लड़के भी लगा देंगे अगर लगाने वाला जो भी होएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, आपका कंप्यूटर बेसिक टेस्ट होएगा, मीडियम टेस्ट होएगा, हिंदी एंड इंग्लिश में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें भी आप क्वेश्चन देना चाहते हैं उसमें आप दे सकते हैं, हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं इंग्लिश में दे सकते हैं। एग्जाम होने के बाद PST एंड PET आपका होएगा, उसके बाद मेडिकल होएगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड शॉर्ट रिपोर्ट्स, यहाँ पे जैसे ही डाउनलोड करेंगे यहाँ पे एक डाउनलोड हो जाएगा इसका नोटिफिकेशन, तो ये इसका नोटिफिकेशन है, वैकेंसी आपको मैंने बताई दी और ये भी बता दी कितने में कितनी वैकेंसी आपके लिए निकाली जाएगी, 1/1/2024 के हिसाब से आपकी जो है डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी, ठीक है दोस्तों। बाकी इसका नोटिफिकेशन भी आप जो है डाउनलोड करके जो है अपना चेक कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारा वीडियो यहाँ पे जो है वीडियो में सारी जानकारी खोल दी है, बाकी जैसे इसके फॉर्म भी स्टार्ट होएंगे जल्दी में, फॉर्म भी स्टार्ट होने वाले हैं, बाकी जब वो फॉर्म स्टार्ट होएंगे नवंबर में, वैसे मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना के ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो काफ़ी शानदार वैकेंसी है दोस्तों, ज़रूर आप अप्लाई कीजिए, अप्लाई तो आपका बनता है क्योंकि ओनली 10वीं क्लास से है, ज़्यादा आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी नहीं मांगी गई आपसे, तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है आप, ठीक है दोस्तों। बाकी आप देख सकते हैं किस किस तरह से यहाँ पे जो है दे रखी है आपकी दोस्तों, आप देख सकते हैं 1/1/2023 के हिसाब से आपकी डेट ऑफ बर्थ काउंटिंग की जाएगी, 18 साल से 23 साल मांगी गई है, और यहाँ पे देख सकते हैं 2/1/2000 से लेके 1/1/2005 वाले जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये दे रखी भी है और देख सकते हैं आप, बाकी SC ST वालों को देख सकते हैं 5 साल की छूट आपको मिलेगी, अगर आप OBC वाले हैं तो 3 साल की छूट आपको मिलेगी, एक्स सर्विस मैन है जब भी 3 साल की छूट मिलेगी, ठीक है दोस्तों देख सकते हैं आप, छूट तो आपको मिलती है फॉर्म में दोस्तों, बाकी कुछ फॉर्म में नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों बाकी मैंने इसके वीडियो के बारे में आपको सारा कुछ बता ही दिया है, जो है जो भी है फीस वगैरह के बारे में बता दिया, फॉर्म के बारे में बता दिया है, अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है, C आपका ग्रेड है तो आपको 5% मिलेगा, अगर आप B है तो 3% मिलेगा, अगर आपके पास A है तो 2% आपको यहाँ पे छूट मिलेगा,
देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीसी है उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। एनसीसी का सर्टिफिकेट जरूर लगाएं अगर आप अपनी एनसीसी कर रखी है। ठीक है दोस्तों, बाकी दोस्तों मैंने सारा कुछ इस वीडियो में बता दिया आपको। बाकी जैसे ही इसका फॉर्म अप्लाई एंड ऑनलाइन होता है मैं आपको जो है वीडियो बना के ला दूंगा अलग से। बाकी सारा कुछ जानकारी मैंने बता दिया दोस्तों। वीडियो अगर आप रीट लगी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अपडेट आई हो आपको पसंद, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और अपने भाई को सपोर्ट दिखाएं ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए मैं और भी अच्छी जो है वीडियो बना के लाऊं। मोटिव बढ़ेगा अगर आप लाइक और शेयर जरूर करोगे। और दोस्तों मेरा भी मोटिव ये रहता है कि मैं आपको सबसे पहले अपडेट दूँ हर चीज़ की, और देता भी हूँ। आपको भी पता है मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो आपको अपडेट देने की सबसे पहले कोशिश करता हूँ। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, वंदे मातरम।